फ्रेंड्स मैं कृष्णा मैं तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हम हाजिर हैं नए चैलेंज में, एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैलेंज में, जो कि है फ्रेंड्स चिली पनीर विद मासिव राइस ईटिंग चैलेंज। सो हमारे पास चिली पनीर है ढेर सारा इधर, और ये हमारे पास चिली पनीर के साथ थोड़े ये फ्रेंच फ्राइज भी है, पटेटो फ्रेंच फ्राइज जो मैंने यहाँ पे लगाए रखी हैं। और फ्रेंड ये हमारे पास पुलाव है, पुलाव राइस आप देख सकते हो, ये पुलाव राइस ढेर सारे ये रहे। और ये बड़ी सी प्लेट है हमारी, हमारी बड़ी वाली प्लेट आप देख सकते हो फुल भरी हुई है। जो चिली पनीर इतना टेस्टी बनाया एकदम, आगे एकदम मजे आने वाले हैं, मैंने टेस्ट भी करके देखा पहले। और ये चिली पनीर एकदम मस्त बना है, जूसी बना है, जूसी भी है स्पाइसी भी है, और पुलाव भी काफ़ी ज़बरदस्त बने हैं। और दोनों चीज़ मैंने बनाई है मैंने ये आलू उबाले हैं, फिर फ्राई करें, बस मेरे भाई ने आलू फ्राई करे हैं तो थोड़े आप देख लो कैसे उबले हुए हैं, थोड़े जल से गए हैं और कुछ नहीं मेरी तरह। तो भाई जो भी हो चैलेंज में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो फिर चलिए घर से चैलेंज को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन आज के विनर रहता है, कौन ले जाता है आज की बाजी को, जो हारेगा उसे मिलेगी सजा। तो फ्रेंड चलिए आज के चैलेंज को देर न करते शुरू करते हैं, और बाकी बकवास होगी चैलेंज के बाद। तो फ्रेंड चलिए देर न करते हुए आज के चैलेंज को शुरू कर देते हैं, 3 2 1 गो। मैं तो अपने हाथों का यूज़ करने वाला हूँ, मस्त लाओ, थोड़ा पुलाव में नमक डालना भूल गया था, नमक डाल लेता हूँ। कैसे बने बिना भाई चिली, बिना भाई को तो ये चिली चिकन जैसा लग रहा हो, मुझे लग रहा है तो
तो हम पानी के साथ ही जा रहे हैं, चावल एकदम पेट में जल्दी जल्दी, तो पानी के साथ ही निकले जा रहे हैं हम लोग अंदर। खत्म, पूरी प्लेट खत्म। तो फ्रेंड आज मैंने चावल थोड़ी बुरी तरह से खाए, बुरी तरह से एकदम, आपने देखा जानवरों की तरह। मैंने थोड़ा मैनर से खाया चम्मच से, क्योंकि तो फ्रेंड आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं बिना की जगह बैठा तो आज मैं बिना ही बना था, तो बिना की तरह खाया मैंने आज खूब ठूस ठूस के जल्दी जल्दी जानवरों की तरह। बाकी बिना ने मेरी जगह ली थी, वो चम्मच से खा रहे थे, तो यही बात मैं शुरुआत में नहीं बताई आपको लेकिन एंड में बता रहा हूँ। तो अब आप एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट सेशन में जरूर बताना, जो जानवरपंथी करता है जानवर को की तरह खाता है उसमें मैं बेस्ट हूँ या बिना बेस्ट है, ये आप कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करके हमको बताएं। तो बाकी मैंने पूरा खत्म कर दिया है पूरी प्लेट, पानी खत्म करने की थोड़ा था, पानी पानी के साथ मैंने, आप देगा वो पूरा जग नीचे पानी का मैंने खत्म किया है। और ये गिलास देख रहे हो, ये कांच वाले गिलास, ये हम आज ही खदीर के लेके आए शॉप से, क्योंकि लॉकडाउन में अब शॉपें तो सारी खुल गई हैं, तो हमने सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, तो शॉपिंग में ये हम कांच के गिलास लेके आए थे, आप देख रहे हो। हमें 6 पड़े करीब 225 रुपए के पड़े, 6 गिलास, 6 गिलास 225 रुपए पड़े। जब हम लेने गए थे शॉप पे, तो आपको एक चीज़ बता दूं, शॉप वाला कह रहा था किसके लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए चाहिए, वो सोच रहा था हम दोनों पीते हैं पैक लगाते हैं, तो उसी वजह से पूछ रहा था किसके लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए चाहिए क्या, मैंने कि नहीं ड्रिंकिंग के लिए नहीं चाहिए, पानी के लिए चाहिए, बोला हाँ ठीक है पानी के लिए। तब भी उसके मन में थोड़ी शंका रही थी कि हम ड्रिंकिंग के लिए ले जा रहे हैं दारू वारू पीने के लिए, लेकिन हम नहीं पीते, तो जो भी था जैसा वो सोचे, तो हम 6 ग्लास ले गए थे, 6 ग्लास बिना इन्हें बता दिया कितने के पड़े, तो फिर जो भी था आज बिना ही कृष्णा बने तो साथ हार गया, मैं बिना बनाऊँ तो इसलिए मैं जीत गया। आज मैंने अपने हाथों का 2.5 किलो वाले हाथों का यूज नहीं किया, 2.5 किलो के हाथ में 1 किलो एक बार 1 किलो चावल तो एक बार में चले जाते हैं, एक बार में आधा किलो जाते हैं, एक बार में आधा किलो चावल बिना के मुँह में झटास सीधे नहीं। तो फिर चलिए अब जो भी हो, अब फाइनली सजा की बारी आ चुकी, तो बिना को मैं सजा दूंगा, बिना की बैंड बजाऊंगा, तो फिर चलिए बैंड बजाते हैं बिना की। बिना ने काफ़ी सारे चावल छोड़ दिया आज, चम्मच से खाए थे इसलिए, फिर जो भी हो कोई बात नहीं, मैं आराम से। चामर बने कैसे थे? वैसे सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बेस्ट था, बेस्ट बहुत कर लगा। तो फिर ये लीजिए, मैं फिर से आ गया अपनी जगह पर, और अब मैं कृष्णा का रोल निभाने वाला हूँ, और बिना भाई को वापस बिना का रोल दे दिया। तो जो भी हो अब बिना भाई हार चुके हैं, तो बिना को सजा मिलने वाली है, बिना को सजा में क्या मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड ये तो पका हुआ करेला है, आप इसको तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे, और ये मेरे घर पर पका हुआ करेले को भरे में करेला बनाया था दोपहर में, आप ये देखो इसमें ढेर सारा मसाला भरा हुआ है ये रहा, और ये भरे में करेला आप जानते हो किससे कहते हैं, तो फ्रेंड वही है, ये कच्चा करेला, ये पका करेला, और थोड़ा ठंडाई भी है, ठंडाई में मिंट के पत्ते हैं आप देख रहे हो, और ये मेरा कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, कच्चा करेला, पका करेला, और ये थोड़ा मिंट, ये आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं। और बाकी बिना ये खाने वाले हैं,
बिनाई कहने थोड़ा कम कर दे तो बिनाई पे मैं थोड़ा कृपा कर दे, कभी कभी मेरे पास बिनाई कर देते हैं तो मैं आधा करेला कर देता हूँ, पूरे करेले का आधा करेला, ये रहा और देखो ये भी बड़ा पीस है, वैसे मेरे लिए भारी तो नहीं पड़ने वाला फिर भी। चलो मैं थोड़ा और कटिंग कर दूँ, नमक निचोड़ दूँगी, थोड़ा नमक साथ खाओ। ये कच्चा करेले का पका करेला मिंट अरे कैसा टेस्ट लग रहा है, गए का मिंट थोड़ा हैवी पड़ जाता है, मिंट देखो दिमाग को क्यों फ्रीज कर देता है, तो बनी मैंने अभी मिंट खाया है, कुछ हिंट दोगे कैसा लग रहा है मिंट खा के, थोड़ा हिंट दो। एकदम मुंह ठंडा ठंडा होगा, सब ठंडा ठंडा हो गया बनवाई का अंदर, सब ठंडा ठंडा। बेने भाई इज ग्रेट, आप क्या है तो नन्नी कमेंट सेशन में, हाँ वो है, वो अपनी पनिशमेंट को पूरा करते हैं, मैं कभी कभी बीच में घपला कर देता हूँ क्योंकि मैं पनिशमेंट पूरी नहीं कर पाता, जो भी हो इनसे बिना भाई कहते मुझसे कृष्णा कहते हैं, इसलिए तो मैं भी अब अपनी पनिशमेंट लगभग पूरी करने लगा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी पनिशमेंट पूरी करनी चाहिए, मैं करता हूँ। तो फिर चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आगे की आपको देखने के लिए मिले अच्छी से अच्छी। तो फ्रेंड्स आज का चैलेंज थोड़ा मैंने ऐसा कर दिया, बिना भाई जैसा कर दिया, तो उसके लिए माफ़ करें। चलिए आज के लिए चम्मच की वजह से आज बिना भाई को काफ़ी तारीफ मिलने वाली है, कह जाए जानवर आज मैं कहलाने वाला हूँ, बाकी बिना भाई मेरी जगह अरे बिना भाई कितने मस्त तरीके से खा रहे हैं, काफ़ी तारीफ मिलने वाली है। मैंने जब मैनर्स दिखाए हैं और जब मैं हाथ हूँ तो मैं जो भी हो आज के लिए